सेतु के अंतर्गत पाठ 9 गुदड़साई कहानी का अध्ययन करेंगे। यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ है। गुदड़साई एक ऐसा चरित्र, ऐसे व्यक्ति की बात है, व्यक्ति के विषय में बताया गया है, जो गुदड़साई बाह्य वेशभूषा से एक बैरागी प्रतीत होता था। उसे माया मोह भी नहीं था, वह गंदे गुदड़े ही रखता था, उन्हीं पर बैठकर मोहन से बातें करता था। गुदड़ साई बहुत ही संतोषी स्वभाव का था। उसे मोहन से जैसा भोजन मिलता था वही उसे खा लेता था और उसके हृदय में बालक के प्रति, मोहन के प्रति बहुत ही मित्रता या लगाव था। यही इस कहानी का में बताया गया है। लेखक बताते हैं कि सामान्यतः मानव संसार मानव के बाह्य रंग रूप और उसकी बाह्य वेशभूषा से ही पहचानता है, परंतु मानव के अंतर्मन के भीतर छिपे दिव्य मानव गुणों को पहचानने में कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। तो गुदड़साई वेशभूषा से तो वैरागी हैं, परंतु उनके अंदर वात्सल्य, स्नेह और भक्ति रस में डूबे हुए उनके मन को बालक के पिता नहीं जान पाते हैं। गुदड़साई ने वह दिव्य चिंतन दृष्टि पाली थी जो बालकों की निरीहता, मतलब उसके नटखटपन, उसके भोलापन जो विचार है एवं लीलाओं ने भगवान का रूप देख खोजते हैं, जो बच्चे उनको परेशान करते हैं, है ना, इनको कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसमें भी उन्होंने, ये गुदड़साई भगवान का रूप खोजते हैं। इस निराले एवं अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभावशाली चित्रण इस कहानी में किया गया है। आइए कहानी पढ़ते हैं। लड़का पुकारता है, साई ओ साई, एक लड़के ने पुकारा। साई घूमकर देखता है तो उसने देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। आज कई दिन बाद उस मोहल्ले में साई दिखलाई पड़ता है। साई बैरागी था, माया मोह नहीं था। बैरागी का मतलब उसे मोह माया नहीं था परिवार से, माया मोह मतलब कि परिवार की मोह माया नहीं था, वह विरक्त था। परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाता, अपने 2-3 गंदे गुदड़ यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता था। जतन से गुदड़ रखकर उसी पर बैठ जाता था और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उसे गरीब और भिखमंगा जानकर अपनी माँ से और पिता की नज़र चुरा कर कुछ रोटी लाकर, साग रोटी लाकर उसे दे देता था, तब वह साई के मुख पर पवित्र मैत्री की भाव से का साम्राज्य छा जाता था, मतलब खुश हो जाता था इसकी मित्रता, इसकी पवित्र भावना को देखकर। गुदड़ साई उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उलाहनों के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता था। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अच्छे तृप्ति का कारण बनती थी, मतलब उलाहना यानी शिकायत करने के बाद या डांटने फटकारने के बाद जो मोहन अपने माता पिता के डांट के बाद भी जो मोहन खाना ले जाता था तो उसे भी वह बड़े ही प्रेम से खाता था। एक दिन मोहन के पिता ने उसे रोटी देते हुए देख लिया और बहुत बिगड़े। वह थे पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे हुए, पश्चात मैंने वो विदेशी कल्चर, मतलब कि विदेशी कल्चर से वो प्रभावित थे और वो ये फकीर और मुल्ला मौलवी ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते थे। इन सब से फकीरों से उनको चिढ़ था। मोहन को डांटा कि वह इन लोगों से बातें न किया करे, तो साई हंस पड़ता है उस समय और वो चला जाता है। इसके बाद आज कई दिन बाद साई आया और वह जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया, परंतु पढ़कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर पुकारा और साई लौट आया। बहुत दिन के तक ये साई उसके मोहन के घर के पास में नहीं गया। और उधर से जब मोहन पढ़कर लौट रहा था और साई को देखता है तो पुकारता है, मोहन कहता है कि तुम आजकल आते नहीं, तुम्हारे तो साई बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे, नहीं तुम रोटी भी नहीं ले जाया करो, रोटी ले जाया करो, भूख नहीं लगती क्या? अच्छा कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में एक दूसरा लड़का साई का गुदड़ खींचकर भाग जाता है। गुदड़ लेने के लिए साई उस लड़के के पीछे दौड़ा, मोहन खड़ा देखता रहा। साई आँखों से ओझल हो गया, मतलब दूर चला गया जहाँ दिखा ना दे सके। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साई को ठोकर लगी और गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा। खिंचाने के लिए जो लड़का उसका गुदड़ लेकर भागा था वह डर कर ठिठक गया, यानी स्थिर हो गया।
दूसरी ओर से मोहन के पिता ने उसे पकड़ लिया और दूसरी हाथ से साईं को भी पकड़ कर उठाया। उधर से मोहन के पिता आ रहे थे और लड़के को पकड़ लिया जो मार गुदड़ लेकर भागा था, और साईं जो गिर गया था उनको भी पकड़ कर उठाया। नटखट लड़के के सिर पर चपत लगने लगी, वो पीटने लगे बच्चे को। साईं उठकर खड़ा हो गया और मत मारो मत मारो, चोट आती होगी, बच्चे को मत मारो, ऐसा साईं कहते हैं। साईं ने कहा और लड़के को छुड़ाने लगे। मोहन के पिता ने साईं से पूछा, तब चिथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? मतलब जब तुम्हें बच्चे चिथड़े लेकर दौड़ा भाग रहा था तो तुम उसके लिए क्यों दौड़े? जब ये हम मार रहे हैं तो तुम्हें इतना मुंह क्यों आ रही है? सिर फटने पर भी जिसकी रुलाई नहीं आती थी वही साईं लड़के को रोते देखकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देखकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता? तो क्या तुम इसलिए गुदड़ रखते हो? मतलब गुदड़ साईं कहता है कि मेरे पास और कौन सा वस्तु है, कौन सी धन दौलत है, कौन सा ऐसा स्वर्ण है जो मैं इन भगवान स्वरूप बच्चों को देखकर मैं इन्हें खुश करता प्रसन्न करता? मेरे पास तो बस गुदड़ ही है। इस गुदड़ को ही छीनने और लेने में बच्चों की अगर प्रसन्नता हो रही, खुश हो रहे हैं, तो मेरे पास यही चीज़ है, इसी के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मोहन के पिता कहते कि तो क्या तुम इसीलिए गुदड़ रखते हो? बच्चों को प्रसन्न करने के लिए इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं इनसे लड़कर छीन लेता हूँ। मतलब इस मेरे जो पास जो गुदड़ हैं, जो चिथड़े गुदड़ हैं, इनको लेकर ये बच्चे यानी भगवान स्वरूप ये बच्चे लेकर मुझसे छीन कर भागते हैं और मैं दौड़ कर इनसे भी छीन लेता हूँ। और फिर उन्हीं से छीनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए, उनकी मस्ती के लिए, उनके आनंद के लिए मैं करता हूँ, छीनता हूँ। कि खिलौना, सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं, पर चिथड़ों पर भगवान की ही दया करते हैं, भगवान ही दया करते हैं। मतलब वो सोने दौलत तो चोर उचक्के भी छीन लेते हैं, कोई भी उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन इन चिथड़ों के पीछे कौन पड़ेगा? इन चिथड़ों को छूने कौन आएगा? तो ये भगवान स्वरूप ये बालक ही हैं, यही जो हमारे पर दया करते हैं, जो मेरे पीछे आते हैं, छीनते हैं और मुझ पर मुझे आनंद पहुंचाते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए साईं चला गया। मोहन के पिता ने आश्चर्य से बोले कि गुदड़ साईं, तुम नीरे गुदड़ नहीं हो। मोहन के पिता उन गुदड़ साईं के इन बातों से प्रभावित होकर और आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि तुम साधारण गुदड़ साईं नहीं हो, तुम एक दिव्य, तुम्हारे अंदर एक दिव्य गुण है ना, तुम गुदड़ी के लाल हो। तो मोहन के पिता गुदड़ साईं को कहते कि तुम सिर्फ गुदड़ ही नहीं, गुदड़ साईं ही नहीं, तुम गुदड़ी के लाल हो। तुम्हारे अंदर जो अंतरात्मा की जो दिव्य भाव है, जो मानवता है, वो अलौकिक है। ऐसा गुदड़ साईं को मोहन के पिता कहकर चले जाते हैं। तो बच्चों, ये आशा या आपका पाठ का सारांश समझ में आया होगा। कविता का ये कहानी का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का बाह्य रंग और वेशभूषा से उनकी पहचान नहीं होती है, उनकी पहचान उनके अंतर्मन में छिपे हुए दिव्य मानवीय गुण से उनको पहचाना जाता है, उनका पहचान होती है। तो आइए हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गुदड़ साईं को लेखक ने क्या बताया है? तो गुदड़ साईं को लेखक ने वैरागी बताया, वैरागी। दूसरा प्रश्न है, गुदड़ साईं को रोटी कौन खिलाता था? तो गुदड़ साईं को रोटी मोहन खिलाता था। तीसरा प्रश्न है, साईं को रोटी देने पर मोहन को किसने डांटा था? तो साईं को रोटी देने पर मोहन के पिता ने डांटा था। साईं का गुदड़ खींच कर कौन भागा था? तो साईं का गुदड़ खींच कर दूसरा लड़का भागा था। लड़के की पिटाई होते देखकर गुदड़ साईं ने क्या कहा? लड़के की पिटाई देखकर गुदड़ साईं ने कहा कि मत मारो मत मारो, चोट आती होगी। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ।